अस्सलाम वालेकुम गाइस, और जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, मैं ताशकंद स्क्वायर पहुंच चुका हूं इस्तांबुल टर्की में। और आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूं जो बहुत से यूट्यूबर कर चुके हैं, लेकिन हमने सोचा हम भी अपने चैनल को एक नई चीज़ दें, जो कि है 10 यूरो चैलेंज। अकॉर्डिंग टू द मार्केट, तकरीबन इधर की मार्केट खैर थोड़ी फ्लक्चुएट करती है दिन पर दिन, तो हमारे हिसाब से तकरीबन एक यूरो की तकरीबन 18 लीरा बनता है, तो 10 यूरो का 180 लीरा बना है एक्सचेंज रेट पे। तो 180 लीरा का हम आपके साथ वो लेकर आ चुके हैं कि क्या क्या हम ट्राई करेंगे, और देखते हैं कि एक आम आदमी 10 यूरो में क्या क्या ले सकता है ताशकंद स्क्वायर में, और आपको साथ साथ दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। तो फिर बने रहिए मेरे साथ, देखे हैं कि क्या क्या होता है आगे। Hello brother. Yes. How much for cement? 5 lira plain. 5 lira plain and with Nutella? 15. 15. Uh-huh. Okay, give us one with Nutella please. विथ नोटेला ले लिया है जो हमें पड़ा है 15 लीरा का, तो अभी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। दिन की शुरुआत हो गई है तो हमने आज सोचा ब्रेकफास्ट को मिस किया जाए ताकि स्ट्रीट फूड खाया जाए मज़ीद, और आज हमारे पास सबसे पहले आ चुका है सिमित विथ नोटेला, तो अब इसको खाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है। काफ़ी ठंडा हो गया था लेकिन नोटेला का टेस्ट सेम एज़ यूजुअल है जैसा होता है नोटेला का, और इसके ऊपर सिसमी सीड्स लगे हुए हैं तेल, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी ठंडा हो गया जिसकी वजह से बहुत छुई हो रहा है। तो आए तो हमेशा चेक करें कि गर्म है कि ठंडे, वैसे ज़्यादा ठंडे ही होते हैं लेकिन ट्राई करने वाली चीज़ें। $180 से स्टार्ट किया था, 15 लीरा ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं स्विफ्ट पे, आगे देखते हैं और हमें क्या मिलता है हमारे बजट के अंदर। No, funny. Sonny, I'm on video, son. Yes. Telephone? Yes. Video, son. Yes. Ama hepsi bu sana abi. Bir şey içer misin? İçer misin? Valla. One. Yes. One. How much was for one? One. 40. 30. 30. Thank you. Thank you. एक ऑरेंज जूस भी आ गया है, अच्छे खासे भाई 6-7 ऑरेंजेस को काट के बनाया है, और उसको भी ट्राई करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमारे लिए एक वो हो गया, विटामिन सी भी ले ली सुबह ही सुबह, अच्छी बात। और देखते हैं आगे और क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं। ऑरेंज जूस आ गया है जो कि जिसकी कॉस्ट थी तकरीबन 30 लीरा, और 165 में से 30 लीरा माइनस हुआ तो 130 हमारे पास अभी बचा हुआ है, देखते हैं 130 में और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक
स्वीट कॉर्न आ गया है 10 लीरा का सिर्फ। ट्राई करते हैं इसको, गर्म है बहुत ज़्यादा। यह है 10 लीरा का और इसके साथ हमारी कॉस्ट बचती है 125 और हमने स्पेंड कर दी है ऑलरेडी 30 + 15 + 10 विच इज़ 55। तो अब इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं। स्ट्रीट फूड का आइटम हमारे पास आ गया जो कि है स्वीट कॉर्न, जो कि यहाँ पे लोग जगह जगह बेच रहे होते हैं और खाते हैं, पसंद भी करते हैं। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ सिर्फ बॉयल स्वीट कॉर्न से और उसके बस नमक डाल दिया है। अच्छा, स्वीट कॉर्न ने गर्मा गर्म और नमक ऊपर लगाया, ज़बरदस्त टेस्ट दे रहे हैं। अच्छा भाई, लंच टाइम हो गया तो हमने सोचा कि डोनर ट्राई किया जाए और तास्किन स्क्वायर पे ही है हम, तो यहाँ पे तो आपको पता है कितनी सारी दुकानें लगी हुई है डोनर की, लेकिन हम ट्राई करेंगे तास्किन डोनर का और आपको दिखाते हैं कि इसका डोनर कैसा है। अच्छा, डोनर हमारे पास आ गया, मिक्स डोनर, हमने सर्टिफिकेट करवाया है और यह हमें पड़ा है तकरीबन 45 का और यह हमें पड़ी 15 की, तो टोटल हो गया 60 का। और जो हमने पहले ट्राई किया था वो तकरीबन 55 50 60, तो 105 का मिल हो गया टोटल हमारा, नहीं 115 का मिल हो गया टोटल हमारा। करते हैं अभी स्ट्रीट फूड में, तो आपको पता है कि टर्कियों का डोनर कैसा है, साथ कितनी मोहब्बत है, तो हमने सोचा डोनर भी ट्राई किया जाए और साथ में हमने ऐरान ली है जो टर्की की बहुत जानी मानी है ड्रिंक है, लस्सी है आप, तो वो ट्राई करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट करा रही है और आए और डोना यहाँ का डोना ट्राई करें तास्किन स्क्वायर का, और अभी हम ड्रिंक भी ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि लस्सी है तो हाँ सही टेस्ट है, तो स्क्वायर पूरा खाता हूँ। बुनाल बुथा मोहम्मद और भी हमारे पास आ गया है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 17 लीरा है, लेकिन हम उसको ऑल राउंड फिगर करके 20 लीरा कह सकते हैं, तो 20 लीरा का वेट बर्गर आ गया और उसको भी अब खा लेंगे। और अभी हमारे कॉस्ट हो गई है टोटल 135 और पीछे हमारे पास रह गए हैं 45 लीरा, देखते हैं 45 लीरा में क्या क्या हो सकता है। ये एक अच्छी बहुत ये भी है कि एक चीज़ बर्गर था जिसको लोग कहते हैं बेट बर्गर, जो कि सिर्फ स्टीम बन होते हैं और उसके अंदर ग्रिल बीफ पैटी होती है, तो इसको भी हम ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा नरम है। बन काफ़ी नरम नरम है और बीफ की कोई मेरिनेशन नहीं हुई है, सिंपल सा बीफ है और अंदर इसके केचप डाला हुआ है, लेकिन और बहुत अच्छा है और ट्राई करना चाहिए क्योंकि इधर आ रहे हैं। तो एक डिफरेंस चीज़ है चीज़ बर्गर से, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अच्छा है। कॉस्ट को हमने थोड़ा सा देख लिया है, तो अभी हमारे पास टी आ चुकी है, टर्किश टी आपको पता है इस्तांबुल आए और टर्किश टी ना ट्राई की हो तो शायद फ़ायदा ही नहीं है। तो टी हमें पड़ी है 10 लीरा की, तो जिसके साथ हमारे पास सिर्फ बच गए हैं 35 लीरा में, और हम क्या कर सकते हैं। बाकी अभी टी ट्राई करते हैं तो आपको बताते हैं। भाई टर्की है और टर्किश लोगों का टी के साथ ऑब्सेशन, वो तो आपको खुद पता है कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे है कराची में नहीं होते चाय वाले, मतलब दुकान टू दुकान दे रहे होते लोगों को चाइना वगैरह प्याजा जो भी, तो वैसे यहाँ पे भी ना सारे चाय के बहुत शुदाई हैं, तो ऐसे ही घूम रहे होते दुकान टू दुकान या ऐसे ही कोई पी ले रहे थर्मास लेके। तो देखते हैं, ये भी एक तरीके से स्ट्रीट फूड तो नहीं है लेकिन एक टर्की फूड्स में आता है, तो उसको भी अभी ट्राई करके चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं इसके क्या शिक्षा।
ट्राई करते हैं। चीयर्स। मैं टी का इतना बड़ा फैन बॉय नहीं हूँ। ब्लैक टी सा फ्लेवर आ रहा है लेकिन अच्छा है जगाने के लिए और उनका जाहिर साथ है। अच्छा टेस्ट है, ब्लैक टी जैसा ही है लेकिन हाँ मैं इतना चाय का जैसे शुदाई नहीं हूँ तो आप आए ट्राई करें, मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगती चाय। चले आपसे मिलते हैं एक और जगह पे। आइस टी ले लिए और आइस टी हमें पड़ी तकरीबन 15 लीरा की, अभी भी हमारे पास 20 लीरा बचे हैं, देखते हैं 20 लीरा का और हम क्या ले सकते हैं। Kartınızı alanda işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. जैसे कि आप देख सकते हैं 10 यूरो चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, 20 लीरो जो बचे थे उसका हमने वो डाल दिया है, रिचार्ज करवा दिया अपना कार्ड इस्तांबुल कार्ड और अभी हम घर जा रहे हैं। तकरीबन 15 लीरा मैं लगे आने जाने के, तो हाँ 20 लीरा तो बाकी 10 यूरो कंप्लीट हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कुछ नहीं खाया। जिसमें मैंने सबसे पहले स्मित खाया, ऑरेंज जूस पिया, फिर हमने कॉर्न खाया, स्वीट कॉर्न खाया, फिर हमने डोनर भी ट्राई किया, आयरन भी ट्राई किया और वेज बर्गर भी ट्राई किया और एंड में फिर हमने आइस टी भी पी और उसके बाद हमने ट्रेन का भी किया। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 यूरोज में बहुत कुछ हो सकता है। तो आप भी आए इस्तांबुल चक्कर लगाएं और अपना चेक करें कि आपको बिल कितना बनता है, कितने यूरो में बनता है और मुझे फिर बताएं कमेंट में कि आपका कितना लगा। और दूसरी एक और बात ही बताएं कि वीडियो कैसे लगी, क्योंकि यह बिल्कुल एक नई चीज़ मैंने कोशिश की अपने चैनल के साथ। वैसे मुझे पता है और बहुत से यूट्यूबर्स कर चुके हैं और आपको अच्छे से इल्म है कितना खर्चा होता है, लेकिन मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए आपकी ऑडियंस के लिए। तो बाकी मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी करें कॉमेंट जो भी दिल करें और आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपका कैसे खर्चा हो। तो बाकी आपसे इसी तरीके से मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने होस्ट को दे इजाज़त। तो फिर आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।